सो गाइज, अगर आप लोग भी यहीं से अपना वीडियो अपलोड करते हो तो आप ये सरासर गलत करते हो। अगर आपको भी YouTube वीडियो सही तरीके से अपलोड करना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कहां से इसको सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी एक नई YouTube चैनल स्टार्ट की है और आपको अभी लग रहा है कि हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारा जो वीडियो है वो ट्रेंड पे नहीं जाता है, उस पे लाइक्स नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, आप एक गलती करते हो कि आप अपने YouTube वीडियो को सही तरीके से अपलोड नहीं करते हो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने से हमारा जो वीडियो है वो हमेशा के लिए ट्रेंड पे जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो होता है उसकी लाइक्स दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, उसकी व्यूज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से अपनी वीडियो को अपलोड कर सकोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन हर रोज आपके लिए नए नए अपडेट्स लेके आता हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आप भी यहीं से वीडियो को अपलोड करते हो तो अब से आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके दो रीजंस है। पहला रीज़न जो है वो ये है कि आप अपने वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल्स यहां पे सही तरीके से सेट नहीं कर सकते हो, जो कि YouTube के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि आप यहां से जब वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो की साइज़ थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी पर भी थोड़ा असर पड़ता है। सो गाइज, अगर आपको अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से सही तरीके से वीडियो को अपलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट रखना है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको studio.youtube.com ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, आपको यहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी वीडियो अपलोड करना है आप यहाँ से उस वीडियो को अपलोड करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा वो यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले वीडियो का टाइटल एंटर करना है, तो हम यहाँ पे वीडियो का टाइटल एंटर करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हमने यहाँ पे वीडियो का जो टाइटल है हमने वो यहाँ पे डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में आके आपको यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाला है, और यहाँ पे आप अपने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स भी डाल सकते हो, जहाँ से लोग आपके दूसरे अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक डाली हुई है, अगर कोई भी यहाँ से चाहेगा तो वो हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकता है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे थंबनेल सेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे थंबनेल को सेट करेंगे। आपको यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे थंबनेल सेट करना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे थंबनेल सेट करते हैं। सेट करने के लिए यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, येस इट इज़ मेड फॉर किड्स, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो आपको यहाँ पे नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद शो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी वीडियो में किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन किया है तो आपको यहाँ पे माय वीडियो कंटेंट्स पेड प्रमोशन पे क्लिक करना है। अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अनचेक रखना है, ठीक है, वरना आपको चेक रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे एलो ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मोमेंट्स आपको इनेबल करना है, और यहाँ पे आपको एलो ऑटोमेटिक प्लेसेस को आपको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है टैग्स। तो आपको यहाँ पे टैग सेट करना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे टैग को सेट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, दूसरा टैग जो है हम वो यहाँ पे ऐड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ज़्यादा टैग्स ऐड नहीं करने हैं। अगर आप ज़्यादा टैग्स ऐड करते हो तो इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम चीट होता है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश रखते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया रखना है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट भी रखना है कि हमने ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया हुआ है, आप यहाँ पे वो रख सकते हो, यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आपको रखना है, एलो एम्बेडेड को आपको चेक करना है, पब्लिश को भी चेक करना है, एलो पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट को भी आपको चेक करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको करना है वीडियो एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, जब हम वीडियो एलिमेंट्स को ओपन करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आप आई बटन रखना चाहते हो अपनी वीडियो में तो हम यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आई बटन को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो आई बटन में रखना है लेकिन वीडियो जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, आपको यहाँ पे वही वाला वीडियो रखना है, तो हम यहाँ पे वीडियो को सेट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आई बटन है वो यहाँ पे पॉपअप होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों अगर आप एंड स्क्रीन भी रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये प्लस वाला ऑप्शन शो हो रहा है आपको यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चूज स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक करेंगे। जितने भी आपने वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे दिए होंगे वो सारे वीडियोज़ यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो एंड स्क्रीन में रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हो। तो हम यहाँ से 2-4 को ऐड करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 4 एंड स्क्रीनज रखे हैं, यानी कि 4 वीडियोज़ हमने एंड स्क्रीन में डाले हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको सेव करना है दोस्तों। ठीक है, सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो चेक्स वाला ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो कि आपको यहाँ पे चेक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है स्टूडियो में। दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है अभी नो इशू फाउंड, यानी कि अगर कोई भी कॉपीराइट होगा दोस्तों, अगर मैंने अपने कंटेंट में कोई भी ऐसा चीज़ ऐड किया होगा जिस पे कॉपीराइट आ सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही बताया कि आपके कंटेंट में कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। दोस्तों विजिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन मिलते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट। अगर आप दोस्तों प्राइवेट रखते हो आप सिर्फ खुद ये वीडियो देख सकते हो और वो लोग देख सकते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप अनलिस्टेड रखते हो तो लिंक के ज़रिए कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। अगर आप पब्लिक रखोगे तो हर कोई जो भी यूट्यूब चला रहा है वो ये आपका वीडियो देख सकता है। और दोस्तों उसके बाद सबसे जो मेन ऑप्शन है वो है शेड्यूल। दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को शेड्यूल में रखते हो, अगर आप 18 मार्च को रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो भी रख सकते हो शेड्यूल के हिसाब से, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो वीडियो है वो 18 मार्च को अपलोड हो जाएगा। दोस्तों डेट के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइम भी मिलता है। अगर आप यहाँ पे टाइम रखना चाहते हो, यानी कि मैं अपनी वीडियो को कल 7 बजे अपलोड करूँगा, तो मैं यहाँ पे 7 AM को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 18 मार्च 2023 को 7 बजे मेरा वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है। दोस्तों जब आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये जो सारी सेटिंग्स होगी ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आपको सुबह तक वेट करना है, फिर आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके से हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। अल्लाह हाफिज़। Town to town.